ड्राई चिल्ली पनीर तो वैसे सबको पसंद है, आप लोग इसको एक बार बना के देखिए, खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स वेलकम माय यूट्यूब चैनल, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाएंगे ड्राई चिल्ली पनीर। उसके लिए चाहिए होगा एक शिमला मिर्च, 6 से 7 लहसुन की कली, 1 प्याज, 2 हरी मिर्च, विनेगर, ग्रीन चिल्ली सॉस, टमाटो केचप, सोया सॉस एंड कॉर्नफ्लावर, नमक, काली मिर्च का पाउडर। शिमला मिर्च प्याज को हम काट लेते हैं, चॉप कर लेते हैं। गार्लिक को मैंने चॉप कर लिया है, ऑनियन भी चॉप कर लिया, ऑनियन को इतने पीसेस में रखना है आप लोगों को। ग्रीन चिल्ली चॉप कर ली है, कैप्सिकम भी चॉप कर लिए, कैप्सिकम को इस तरीके से काटना है। आप अपने हिसाब से पीसेस में कट कर लें, पनीर के पीसेस थोड़े से मोटे ही रहते हैं। पनीर को इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लेंगे, आप अपने हिसाब से बड़े छोटे से पीसेस कर सकते हैं, मैंने इस तरीके से क्यूब्स किए हैं। पनीर को एक बाउल में डालने के बाद इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक, 1/2 टीस्पून नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। इसको इस तरीके से मिक्स करके रख देंगे 5 से 10 मिनट ढक के रेस्ट करने के लिए, जब तक हम इसके लिए सॉस तैयार करते हैं। मैंने हाफ बाउल से भी कम मैदा लिया है, इसको एक बड़े से बाउल में डाल देंगे, ये मैदा है। हाफ बाउल से भी कम कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर को भी मैदा के साथ डाल देंगे। 1/2 टीस्पून से भी कम नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे, अच्छा सा एक घोल बना लेंगे। घोल बनकर हमारा रेडी है। घोल के घोल इस तरीके से रखना है आपको। हमें चाहिए होगा टमाटो केचप 2 टेबल स्पून भर के, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, ग्रीन चिली सॉस 1 टेबल स्पून, इसमें अब जाएगा थोड़ा सा विनेगर, कॉर्नफ्लोर 1/2 टीस्पून, इसमें अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डाल के इसको मिक्स करके रख देंगे। सॉस हमारी रेडी है, इसको हमने मिक्स कर दिया। इसमें बाहर से कोई भी चिली पनीर मसाला लाने की ज़रूरत नहीं है, घर के ही सॉस से चिली पनीर हम रेडी करेंगे। हमने घोल बना के रखा था कॉर्नफ्लोर और मैदे का, हम इसमें ये पनीर डाल के इसको कोट कर देंगे। सारी पनीर डाल के हम इसमें कोट कर देंगे अच्छे से। पनीर को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था, मैंने गैस को बिल्कुल मीडियम कर दिया। अब इसमें हम पनीर के क्यूब्स डाल देंगे। मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने सारी पनीर इसके अंदर डाल दिया, पनीर को हम फ्राई होने देंगे। पनीर हमारी हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है, अभी हम इसको निकाल लेंगे, इसको निकाल के ठंडा होने देंगे। सारी पनीर निकाल लेंगे हम, ऑयल को अभी हम गर्म होने देंगे, पनीर को हम एक बार फिर से फ्राई करेंगे। पनीर हमने निकाल ली, पनीर अभी आप देखेंगे अभी ये एक दूसरे पे चिपक गई है, अभी ये जो है अपने आप ठंडी होएगी, अपने आप ही निकल जाएगी। ये ऑयल को गर्म होने देंगे। पनीर के देखिए सारे पीसेस हमारे अलग हो गए हैं, ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब हम सारी पनीर डाल देंगे फ्राई करने के लिए।
सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पनीर हमारी फ्राई हो गई है, पनीर देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है, देखिए हम इसको निकाल लेंगे बाहर। पनीर को हम बाहर निकाल लेंगे। पनीर को फ्राई करके हमने बाहर निकाल लिया, ये देखिए आप कितनी क्रिस्पी बनी है, ये देखिए। फ्राई पैन ले लिया, इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा मैंने लिया है ऑयल, थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें डालेंगे गार्लिक, ऑनियन, कैप्सिकम, ग्रीन चिली, तो मिक्स करेंगे। थोड़ा सा डालेंगे नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, सॉसेज में भी नमक होता है, नमक ऑलरेडी पनीर में भी डाला हुआ है, ये नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। तो 2 से 3 मिनट ऐसे ही भूनेंगे। इसमें डालेंगे सॉस जो हमने बना के रखी थी, डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया, हम इसको ढक के रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए। आप इस टाइम पे नमक वगैरह चेक कर लें, आपको कम ज़्यादा लगे, सॉसेस कम ज़्यादा लगे तो आप डाल सकते हैं। तो ग्रेवी को चेक कर लेते हैं, ग्रेवी हमारी आप देख सकते हैं थिक हो गई है, ग्रेवी हमारी थिक हो गई। गैस को हम फुल कर देंगे, अब इसमें हम डाल देंगे, ग्रेवी एकदम थिक हो गई है। गैस को 1 मिनट के लिए ऑफ करके हम इसमें डाल देंगे पनीर जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। सारी पनीर हम इसमें, पनीर को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये ड्राई चिली पनीर है इसलिए इसमें ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। पनीर को हमने मिक्स कर दिया, गैस को ऑन कर देंगे, ऑन करके 1 मिनट तक तेज आंच पे इसको मिक्स कर देंगे। पनीर बनकर हमारी रेडी है। गैस को हम ऑफ कर देंगे। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। ड्राई चिली पनीर बनकर हमारी रेडी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।